हाँ जी, क्या चल रहा है? आज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने अपनी एप्पल वॉच अगर किसी को बेचनी है या किसी को देनी है तो उससे पहले अपना डेटा कैसे रिमूव करना है इसमें से। चलें फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो एप्पल वॉच के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है कि आपने सेटिंग्स के अंदर जाके यहाँ पे करके आपको बिल्कुल ऑप्शन नज़र आएगा एंड पे करके इरेज का। तो यहाँ पे आप बिल्कुल रिमूव कर सकते हैं सारी सेटिंग्स, बिल्कुल सिंपल सा ऑप्शन है। अगर आप वो चूज करेंगे तो आपसे वो एप्पल आईडी का पासवर्ड मांगेगा ताकि डबल चेक कर सके कि वाकई आप इसको रिमूव कर रहे हैं, कोई चोर वगैरह नहीं कर रहा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अपने आईफोन के अंदर एप्पल वॉच की एप्लीकेशन के अंदर जाएं और यहाँ पे आप जनरल के अंदर बिल्कुल नीचे करके इस सेटिंग के अंदर जाएं तो यहाँ पे आपको वो ऑप्शन नजर आ जाएगा। जैसे आप वो एक्टिवेट करते हैं तो आपसे डबल चेक करेगा कि वाकई आप ये करना चाह रहे हैं और गलती से नहीं हुआ। उसके बाद वो आपसे आपकी आई क्लाउड का पासवर्ड मांगेगा जो कि आपने यूज किया हुआ है इसको सेटअप करने के लिए। और जैसे ही आप वो कर देते हैं तो 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर आपकी एप्पल वॉच से सारा डेटा रिमूव हो जाता है और आपकी वॉच बेसिकली बिल्कुल ब्रांड न्यू हो जाती है। अब आप किसी और को दे सकते हैं, बेच सकते हैं या जो भी करना करें। मिलता है अगली वीडियो में। रब रखा।